हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आटे के बिस्किट। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एक बार अगर आप बनाएंगे तो आप बाज़ार से बिस्किट लाने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। तो अगर आपको देखना है कि ये बिस्किट मैंने कैसे बनाए हैं तो मेरा वीडियो फॉलो करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें तो आपको न्यू रेसिपी की अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप + 1/4 कप आटा, गेहूं का आटा। फिर मैंने लिया है 1/3 कप बेसन, 1/2 कप घी। घी थोड़ा सा जमा हुआ लिया है और ये घर में बनाया हुआ है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास जमा हुआ घी नहीं है तो आप फ्रिज में रख के इसको जमा लीजिए। 3 से 4 बादाम बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच खसखस। फिर 1/2 कप मैंने ली है चीनी जो पिसी हुई है। अगर आपके पास मोटी चीनी है तो आप इसको मिक्सी में डाल के पीस लें। और 1/2 कप दूध। दूध हमें इतना नहीं लगेगा, हम जब डो बनाएंगे उस टाइम पे हम देखेंगे हमें दूध कितना लगना है। एक बोल ले लिया है मैंने, इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर दीजिए और फिर हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन, चीनी मैं ये बता रही थी, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मोटी चीनी को मिक्सर में चला लीजिए तो वो बिल्कुल पिसी हुई चीनी जैसी हो जाएगी। इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिला लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी सबको एक साथ। और अब मैं इसमें घी डाल के इसका एक मतलब जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं उस तरह का टेक्सचर आ जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऐसे ही इसमें और घी ऐड करते करते हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, हमने जब घी मिक्स किया है तो अब आप जब इसको हाथ से प्रेस कर रहे हैं तो एक बॉल जैसा बन रहा है, बट अभी हम इससे बिस्किट नहीं बना पाएंगे, ये टूटेगा। तो अब इस टाइम पे हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक साथ पूरा ऐड मत करिए, इतना दूध नहीं लगता है। और इसको आप हल्के से जो है मिक्स कर लीजिए अच्छे से। हमें ऐसा टाइट रोटी जैसा डो नहीं बनाना है, पराठे जैसा डो नहीं बनाना है, ऐसा बिखरा ही रहेगा। बस एक जब आप हाथ में लेके एक बॉल बनाएंगे तो आपको बिस्किट का शेप बन जाए, इस तरह का डो हमें रेडी करना है। तो ना ही बहुत सॉफ्ट ना ही बहुत सख्त, थोड़ा थोड़ा दूध मिला के आप इसका डो रेडी कर लीजिए। देखिए, अब थोड़ा सा आप डो लीजिए हाथ में और इसको ऐसे प्रेस करिए, बॉल बनाने की कोशिश करिए, हाथ से प्रेस करिए तो आप देखेंगे कि बिस्किट का शेप ये बन रहा है, ये क्रैक नहीं हो रहा है साइड से। तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। और इसके लिए देखिए, मुझे पूरा दूध नहीं लगा है, दूध बच गया है, इतना दूध बच गया है, इसको मैं अलग से रख दूँगी। अब मैंने एक जो बेकिंग ट्रे है उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है, और जो जिस पे मैं अपना ये बनाऊंगी बिस्किट उस पे मैंने थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा मैंने आटा लिया। अब इसको देखिए, मैं हाथ से जिस तरह से प्रेस कर रही हूँ इस तरह से प्रेस करिए। अब आप कोई भी कुकी कटर अगर आपके पास हो तो आप वो लेके किसी भी शेप में से बना सकते हैं। मैं एक नॉर्मल सी कटोरी लेके इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दीजिए। और अब इसमें हम डिज़ाइन देने के लिए मैं जो अपना चाकू होता है उसका मैं जो बैक का हिस्सा जो धार वाला नहीं होता है वो साइड लेके इसमें मैं डिज़ाइन दे दूंगी। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से। अब इसे आप निकाल के जो बेकिंग ट्रे हमने रेडी की है उसमें हम रख देंगे। इसकी जो बिस्किट की थिकनेस है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो इसको थोड़ी ज़्यादा देर बेक करना है, अगर आप और पतला बनाएंगे तो कम देर बेक करना है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे शक्कर की क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा शक्कर ऐड करिए। मैंने जितना घी लिया है उतनी ही शक्कर ऐड की है। और मैं आपको एक और बना के दिखा दे रही हूँ इसी तरह से। और इसी बीच मैंने अवन को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया है 300 फ़ारेनहाइट पे, 150 डिग्री सेल्सियस पे। और इसको हम करीब 20 से 25 मिनट बेक करेंगे बिस्किट्स को। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर से ट्राई करिए।
और जो मैंने इसमें खसखस यूज़ की है उसकी जगह आप तिल भी यूज़ कर सकते हैं, जो सफ़ेद तिल होती है, या आप दोनों चीज़ स्किप कर सकते हैं। आप इसमें इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशन आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी अब मैं बेकिंग ट्रे में रख दूंगी और इसी तरह बचे हुए आटे से मैं बिस्किट्स तैयार कर लूंगी। बिस्किट बनके रेडी है और ओवन भी प्री हीट हो गया है, तो अब इसको हम बेक करने के लिए रख देते हैं 20-25 मिनट्स के लिए। देखिए अच्छे से बेक हो गए हैं ये और ठंडे भी हो गए हैं। इन्हें ठंडा होने दीजिए, तभी थोड़े और ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। पहले आपको लगेगा ये सॉफ्ट हैं पर बाद में कड़क हो जाएंगे। मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट, बिल्कुल बाज़ार में जैसे मिलते हैं उसी तरह के बने हैं। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। थैंक यू।